चाचा जी, मतलब आज पुरानी हवेली के बजाय चाचा जी, ये आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला है? यही तो, आज ना मैं बहुत 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 खुश हूँ। लो लो, मुंह मीठा करो। अरे बेबी बेटा, किस बात की मिठाई खिला रही हो? यही तो, कसम है सर की मेरी मन्नत ना पूरी हो गई। अरे वाह, कौन सी मन्नत बेबी? अरे वो सब छोड़, पहले मुंह मीठा कर। चलो चलो जल्दी जल्दी। तो क्या है ना, कल वो मॉल की ओपनिंग हुई थी ना, तो रिबन काटने वो आए थे। कौन? सल्लू भाई। नहीं नहीं भाई नहीं, सल्लू जान। तुम्हें पता है, मौका मिलते ही मैंने उनके साथ सेल्फी ले ली। रुक दिखाती हूँ। दिखा दिखा, जल्दी दिखा। ये फोटो दिखा दिखा के पूरे कानपुर को जलाऊंगी मैं। दिखा दिखा, दिखा जल्दी। क्या हुआ, मोबाइल जल गया? क्या भाभी शुभ शुभ बोल। यही तो, अरे कि फोन तो खराब नहीं हुआ ना? अरे बेबी बेटा, जल्दी से ठीक करा लो, नहीं तो तुम सेल्फी कैसे दिखाओगी? यही तो, हाँ, मैं भी जा रही हूँ। ये मिठाई आप लोग खा लेना। अरे बेबी, बेबी भी ना कमाल करती है। पापा जी, लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। वाह बेटा वाह, मजा आ गया। अरे रानी बेटा, जब से तुम छुट्टियों में आई हो, बस तब से मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने का इंतजार करता हूँ। नहीं तो रोज रोज वही चाय, रोज रोज वही चाय, रोज रोज वही चाय। पापा जी, रोज रोज वही चाय मतलब? देखो ऐसा नहीं कि मेरा मतलब ये है कि वही चाय रोज रोज बहू बेटा अदरक डाल के देती है। तुम तो जानती हो ना बेटा कि अदरक सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है, है? गला साफ हो जाता है। वैसे रानी बेटा, एक बात तो है कि बहू बेटा हमारा ख्याल बहुत रखती है। बिल्कुल ठीक पापा जी, और आज भी ये चाय मैंने ही बनाई है पापा जी। आप भी ना कुछ भी बोलते रहे। बाप रे बाप, बाल बाल बचे। वही तो दादाजी, आपके बाल ही नहीं बचे। अरे शैतान, जब ये भी ना, और वैसे भी मेरी सहेली आने वाली है मोना। अच्छा, अरे रानी बेटा, ये मोना कौन? अरे पापा जी, मोना मल्होत्रा, आप भूल गए क्या? मेरी सहेली। अरे भाई, वही जिसे लास्ट ईयर बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड मिला था, वो हमसे मिलने आ रही है आज घर पे। भाई बड़े बड़े लोगों से तुम्हारा परिचय है। मुंह बंद कीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं। कितने सालों बाद आना हुआ मोना? वो एक्चुअली भाभी, काम का प्रेशर इतना बढ़ गया है ना कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। रामलाल, ये तुम्हारे लिए, और ये भाभी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये मेरे मोना कलेक्शन का लेटेस्ट ड्रेस है। ओ? और ये इनविटेशन? इनविटेशन? अरे वाह, क्या बात है मोना, ये इनविटेशन, ये गिफ्ट कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रही? नो वेज, वो एक्चुअली मेरे मोना कलेक्शन की नई फ्रेंचाइजी खुल रही है। ओ? आज ही। सो ये इनविटेशन उसी के लिए है। अरे वाह। अरे वाह, इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की। हाँ मोना, जरा अपनी कामयाबी का राज हमें भी तो बताओ। बस शुरुआत में दूसरों के बनाए ड्रेसेस बेचती थी, फिर सोचा मुझे अपने ड्रेसेस बनाने चाहिए और उनको लॉन्च करना चाहिए। उसके लिए बैंक से एक लोन लिया, खड़ा कर दिया अपना बिजनेस, फिर फैक्ट्री एंड अपना ऑफिस। इतनी मेहनत करते करते हो गई कामयाब। काश मैं भी तुम्हारी तरह कोई ऐसा बिजनेस कर पाती। वही तो, पर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अरे अरे, क्यों नहीं हो सकता है? देखो, अगर तुम अपनी रेडीमेड ड्रेस का बिजनेस शुरू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा? हाँ, बस फाइनेंस तुम्हें अरेंज करना होगा। हाँ हाँ,
Excuse me. Hello. हाँ हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ. Okay. भाभी मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, सो मुझे अभी निकलना होगा. ओके सो अरे लेकिन रुको, चाय तो पीती जाओ. अरे नहीं भाभी, इस बार नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नेक्स्ट टाइम पक्का. लेकिन मेरी बात पे गौर करना. हाँ. तुम लोग भी कामयाब हो सकते हो, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी मेहनत, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट. अच्छा बाय रानी. हाँ बाय. अरे चलो ना, हम दरवाजे तो छोड़ देते हैं तुम्हें. आओ. क्या हम भी मोना की तरह सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन सकते हैं? अरे क्यों नहीं बन सकते, अगर मोना अकेली ये सब कर सकती है तो हम दोनों मिलकर तो कर ही सकते हैं ना. हाँ मगर फाइनेंस का इंतजाम कहाँ से करेंगे? कोलू के पापा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है. अरे हाँ, एक इंसान है जो हमें लोन दिलवा सकता है. अच्छा, खाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना पापा जी? हाँ, और वो भी 27 तारीख. अरे अभी तो आपने चखा कहा है. ये लीजिए, ये एक गुलाब जामुन आपको मेरी तरफ से खाना ही पड़ेगा. और भैया एक गुलाब जामुन मेरी तरफ से भी, आइए ना. कुछ तो है जो कहना चाहते हो. एक सेकंड, मुद्दे की बात बताओ, क्या बात? भैया हमें बैंक से लोन दिला दो ना. लोन क्यों चाहिए? वही तो. अरे बैठिए ना, देखिए मैं और रानी लोन लेना चाहते हैं, हमें कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, वेस्टर्न ड्रेसेस. पागल हो गए हो? मतलब बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बिजनेस करने के लिए, पता भी है तुम लोगों को? वही तो, हमने सारी जिंदगी पापड़ ही तो बेले हैं और आपने पूरी जिंदगी कच्चे ही बेचे हैं. हाँ तो कच्चे बेच के ही मुझे समझ में आ गया ना कि बिजनेस करना कितना मुश्किल है. ओहो भैया, इस बिजनेस में ना मेरी वो सहेली है ना मोना, वो हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक कि वो मोना ब्रांड के कपड़े हमें सस्ते में दे रही है. हमें बस फाइनेंस अरेंज करना है भैया, दिला दो ना लोन. अरे भग्गू बेटा, अगर ये दोनों कुछ करना चाहती हैं तो तुम्हें तो इनकी हेल्प करना चाहिए. हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, लेकिन तुम दुनिया के पहले मर्द होगे जो दो सफल स्त्रियों के पीछे हो. पापा जी, बात सिर्फ इनके पीछे जाने की नहीं है, बात पूरा का पूरा फाइनेंस अरेंज करने की है, वो जो कि संभव नहीं है. वही तो, मुझे पता ही था आपको कभी मुझ पे विश्वास ही नहीं हुआ. हर किसी का पति मोना की तरह तो नहीं होता ना, जो कदम कदम पे अपनी बीवी का साथ दे. खन्ना साहब को देखिए, उनकी बीवी तो कोई कदम नहीं उठाती, फिर भी वो हमेशा साथ देते हैं अपनी बीवी का. बॉबी, बस ये अपने आंसुओं के कदम को रोक दो, मैं कुछ करता हूँ. ये बताओ कि लोन कितना चाहिए? 10 लाख. अरे 10 लाख? 10? ये लोग क्या पागल हो गए क्या? अरे सुनिए ना, ये मोना कलेक्शन के कपड़े ना बहुत बिकते हैं मार्केट में, पता है, तो आप लोन चुकाने की चिंता मत कीजिए भैया, और प्रॉफिट भी कमाएंगे. भंगू, तुम्हारी तो जान पहचान है ना बैंक में. हाँ. अरे कल जाओ और इन बेचारियों को लोन करा दो. हाँ करा दो ना भैया, करा दो ना, करा दो ना. अरे कहाँ लेके जा रहे हो तुम दोनों? सरप्राइज है. ये तो सही. बैठिए. क्या है ये? टेबल है, कुर्सी है, ये क्या? खोलो पट्टी, खोलो. ये क्या है, मतलब कहाँ लेके आ गए तुम दोनों? किसका ऑफिस है? किसका मतलब भैया? हमारा ऑफिस है. हमारे? वही तो. अब बताइए, हम इन मॉडर्न ड्रेस में कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हो, मॉडल की तरह. आइए हमारे स्टाफ से मिलवाती हूँ आपको. तुमने अभी से ही स्टाफ भी रख लिया? हाँ तो उसमें क्या हुआ? ओहो भैया, बिजनेस के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है. जाओ अपना अपना काम शुरू करो. लेकिन भाभी आज तो कुछ काम है ही नहीं. कोई बात नहीं, आज शाम को मोना कलेक्शन के कपड़े आ जाएंगे और देखना कल से हमारा बिजनेस शुरू. हाँ.
आदाब। आइए ना, आप भी कपड़े लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे देखने आ गए कि। या अल्लाह, हम ऐसे घर से कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, कोई बात नहीं, कपड़े देख तो लीजिए, आइए। वो ठीक है। मेरी सहेलियां गुप्ताइन और शुक्लाइन अभी तक आई क्यों नहीं? अरे वाह बॉबी, तुमने तो क्या कमाल का एग्जीबिशन लगाया है। पूरे घर को शोरूम बना दिया। अब तो शॉपिंग करने के लिए ना तो माल जाने की जरूरत है और ना ही बाजार। रिक्शे का खर्चा भी बचेगा और बॉबी है तो हमको डिस्काउंट तो देगी ही, वो अलग। नहीं दूंगी। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। आखिर सहेलियां जो ठहरी तो हमारी। और वैसे भी गुप्ताइन, ये जो सारे कपड़े यहाँ लगाए हैं ना, ये मोना कलेक्शन के कपड़े हैं। हाँ, इसलिए आई हो जब एग्जीबिशन देखने तो कुछ ना कुछ खरीद के ही जाना, ऐसे ही मत चली जाना खाली हाथ। क्या बॉबी, तुम भी ना, ऐसे कपड़े मेरे ऊपर थोड़ी अच्छे लगेंगे। अरे ऐसा किसने कह दिया तुम्हें? उल्टे ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। एक बार तुम ये कपड़े पहनकर देखो। अरे अमेरिका में देखा नहीं क्या तुमने? तुमसे भी मतलब खाते पीते घर की औरतें भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमती हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस। पता है, इसलिए वहां के मर्द उनको ताक ताक कर देखते हैं। एक बार तुम भी ये ड्रेसेस ट्राई करके देखो, फिर देखना पूरी कुत्ते वाली गली तुम्हें भी ताक ताक कर देखेगी। एक मिनट रुको, ये लो, तुम ना एक बार ये ड्रेस ट्राई करके देखो, फिर देखना गुप्ता जी भी तुम्हें ताकते ही रहेंगे। सच्ची? तब तो ये ड्रेस हम जरूर ट्राई करेंगे। पर ये ट्राई रूम कहाँ है? चेंजिंग रूम कहाँ है? कहीं तो बनाना पड़ेगा। एक काम करो ना, तुम तब तक बाकी के कपड़े देख लो, हाँ उसमें से कुछ पसंद कर लो, तब तक हम आते हैं। अभी अभी आते हैं, देखो ना यहाँ और लगे हैं कपड़े। ससुर की खिचखिच से तंग आकर बहू ने ससुर को पीट के घर से निकाला। पापा जी चलिए बाहर निकलिए। अरे देख क्या रहे हैं, जल्दी से बाहर जाइए ना। बो बेटा मुझे इस कमरे में नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। बो बेटा तुम जो कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, तुम जहाँ कहोगी वहाँ बैठ जाऊंगा, तुम जो जैसा खाना दोगी वैसा खा लूंगा, मैं किसी भी कोने में बैठ जाऊंगा, चुप रहूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन बो बेटा मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। अरे पापा जी, घर से कहाँ निकाल रही हूँ आपको, मैं तो सिर्फ आपको कमरे से बाहर जाने को कह रही हूँ। अब जल्दी जाइए ना, मुझे यहाँ चेंजिंग रूम बनाना है। ठीक है, मैं बाहर जाके बैठ जाता हूँ। अरे बहू बेटा, बहू बेटा सवेरे से चाय नहीं पी है, चाय बना दोगी क्या? पापा जी अभी, अरे बाहर एग्जीबिशन लगी हुई है, इतने सारे लोग आए हुए हैं और आप है कि चाय मांग रहे हैं। और अभी वैसे भी मेरे पास चाय बनाने का टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो चाय मतलब बगैर चाय के? नहीं नहीं, ऐसा कब कहा पापा जी, मैं बाहर से मंगवा देती हूँ ना चाय। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर मैं बाहर जाके बैठता हूँ। आप जाइए, जल्दी 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 जाइए। चेंजिंग रूम, आइए आइए ना, आइए, ये है हमारा चेंजिंग रूम। आप अंदर जाके कपड़े की फिटिंग ट्राई कर लीजिए। आप अंदर मिरर भी है, आइए ना, चलो आइए, ठीक से चेक कर लीजिएगा। हाँ कहीं ये मेरे लिपस्टिक तो नहीं लगा लेगी। अरे बहू बेटा। जी पापा जी। अरे बहू बेटा बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाना तो बना दो। पापा जी मैं कैसे बनाऊं खाना, देख रहे ना मैं कितनी बिजी हूँ अभी। ठीक है तो फिर आज उपवास ही किए लेते हैं। अरे पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने होटल से मंगवाया है ना हम सब के लिए। क्या? हाँ? खाना भी बाहर से? चाय तो बाहर से आ ही रही है, खाना भी बाहर से आ जाएगा। वही तो, अब आप भी बाहर जाकर बैठ के अखबार पढ़िए। हाँ बेटा जरा जल्दी मंगवाओ, भूख तेज लग रही है। हाँ सब आएगा। हाँ। जल्दी जल्दी, आपको जल्दी नहीं है ना, तो कुछ और दिखा देती हूँ। आप मेरे थैले का ख्याल रखिए, जब तक मैं थोड़े कपड़े देख लूं। कपाल, मुझे वॉचमैन समझ नहीं आया क्या? बॉबी,
कैसी लग रही हूँ? देखो कैसी लग रही हूँ? अरे वाह गुप्ता, क्या लाजवाब लग रही हो! बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही हो गुप्ता। एकदम जोकर, जोकर। लगता है पापा जी ने अखबार में किसी जोकर की तस्वीर देखी होगी, इसलिए हंसे जा रहे हैं। क्यों रानी? पापा जी क्या बोल रहे? चुप रहिए। कुछ भी बोलते रहते हैं। चलिए आ रहे हैं, चलिए। वैसे सच बोलो ना, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ तो वो क्या है ना, तुमने पहली बार पहना है ना, धीरे धीरे ऐसे ड्रेसेस पहनने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है तो फिर वो ऑरेंज वाला भी ड्रेस पैक कर दो। वो वाली? अरे वाह बढ़िया खरीदी कर रही हो गुप्ता। आओ आओ तुम्हारा बिल बना देंगे। क्या बात है? वो वाली नहीं, बस बस बस। रानी तुम ये पैक करो, मैं इनका बिल बना देती हूँ। ये लीजिए आपका बिल। 2000? 2000 ही है सिर्फ। शुक्ला हाँ, 2000 रुपए उधार दो ना। हाँ? हमको भी तो कपड़े लेने हैं। चलो हम बाद में आके ले लेंगे। अच्छा थैंक यू। हाँ गुप्ता और आती रहना खरीदते। साड़ी ले ले अपनी। हाँ, हाँ, अच्छा। ले लो माँ। ये चसो पकड़ो। ये लो, ये 30,000 तुम्हारे और ये 30 मेरे। कांग्रेट्स भाभी। थैंक यू। और 90,000 की उधारी। 90,000? 90,000 की उधारी? ये कर क्या रहे हो तुम दोनों? वही तो, अरे बिजनेस में उधारी तो चलती रहती है ना। देखो खन्ना साहब को देखिए, उनकी तो 20-20 लाख की उधारी चलती है। बॉबी उधारी के चक्कर में ना तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। पापा जी कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? अरे भंगू बेटा इस समय तुम कुछ मत समझाओ, तुम रसोई में जाओ, वहां से प्लेटें लेकर आओ, बहुत तेज भूख लग रही है भाई। हाँ आप रहने दीजिए, मैं ही लेकर आती हूँ। हाँ। रुको 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 नाथ रुको। क्या हुआ कन्हैयालाल? मैं घर नहीं जा सकता हूँ और वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण तुम घर नहीं जा सकते हो? मतलब किया क्या है मैंने ये तो बताओ। अरे जब से मेरी बीवी ने बॉबी भाभी से ड्रेसेस खरीदी हैं तब से उसने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया है, वो सिर्फ ड्रेस ही पहनती है। और आज गाँव से मेरी माँ आने वाली है। आने वाली क्या, तब तो आ गई होंगी। और बहू को ऐसे देखकर दोनों में तो जंग छिड़ गई होगी। अब ऐसे में मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है घर जाने की, और इस सब के जिम्मेदार तुम हो, तुम भगवान दास। मैं कन्हैयालाल देखो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जंग छिड़ी है, ये जरूर लग रहा है कि एक दूसरे के रंग में रंग गई हैं। भगवान मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे संभालो भाई संभालो। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाभी जी। माँ तुम भी अच्छी लग रही है ना मम्मी जी? हाँ आप दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं।
मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि सास बहू साथ में, ऐसा लग रहा है कि माँ बेटी साथ में। समझ गया भगवान दास, थैंक यू। भाभी को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। जाओ जाओ, चलो चलो, आओ आओ। नमस्ते, क्या ले मिठाई लाल? अरे भैया क्या कहे, बॉबी भाभी ने तो मोहल्ले की रौनक ही बदल दी। क्या? जिसे देखो मोना कलेक्शन के ही ड्रेस पहन रहा है, औरतों ने तो साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। बस यादव जी को देखिए, अपने कपड़े की दुकान छोड़कर यही बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं चाच फुड़कते हुए। अब क्या करें भगवान दास जी, अरे जब से बॉबी भाभी ने कपड़े का बिजनेस खोला है ना, हमारा कपड़े का बिजनेस तो मंदा हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। अब ये तो बस शिव जी की कृपा है, बाकी तो वक्त वक्त की बात है। अच्छा चलता हूँ जी। सच कहा चौबे जी, वक्त वक्त की बात है, लेकिन वक्त बदलते हैं देर नहीं लगती। अच्छे से सजा भाई दुकान को। हाँ 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 बिल्कुल। अरे भाभी जी आइए आइए, प्लीज आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आइए। ये वाली ड्रेस दिखाइए तो। दिखा भाई। हाँ हाँ ये वाली। कितने की है भाभी जी? सिर्फ 400 रुपए का। हाँ? अरे शुक्लाइन, बॉबी ने बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस हमको 900 रुपए में बेची है। अरे गुप्ताइन, वो मोना कलेक्शन के कपड़े हैं, मोना कलेक्शन के, अब वो तो महंगे होंगे ही ना। अब क्या बताएं शुक्लाइन भाभी आपको, क्या हुआ? अरे आजकल ना सस्ते कपड़ों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल चिपका कर ना उन्हीं कपड़ों को दुगने दामों पर बेचा जाता है। हाँ। अच्छा? तो ये लाल वाली ड्रेस कितने की है? ये वाला भाभी ये सिर्फ 500 रुपए का। अरे गुप्ताइन हम तो लुट गए, हमको सेम टू सेम ड्रेस 1500 का दिया है उसने, 1000 रुपए ज्यादा। अरे भाभी जी ये देखिए, अरे हमारी दुकान में ना सेम कपड़े चाइना के हैं, लेकिन दाम जो है ना एकदम सस्ते हैं। अब आप देखिए ये वाला, देखिए ये वाला 300 रुपए का, देखिए ये देखिए सिर्फ 250 रुपए का, और दिखा, और ये 150 रुपए का लेटेस्ट लेटेस्ट। इतना बड़ा धोखा। वही तो शुक्लाइन, क्या सबको बुला के और बॉबी के असलियत सबके सामने लानी होगी। अच्छा भैया, अच्छा, आते रहिएगा भाभी जी। हैं सच कहा भगवान दास जी आपने, वक्त वक्त की बात है ना भाई, है? आज मेरा वक्त बदला है, कल तुम्हारा बदलेगा। इसका ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वॉश हमेशा ड्राई क्लीन करवाइएगा, ठीक है? कितना हुआ ड्रेस का? दोनों का मिला के 1800 रुपए। 1800 नहीं, 800 हुए। आपके 1800 ही हुए हैं। ये लीजिए आपका सामान। बॉबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को ठग रही हो। कौन ठग रहा है? तुम ठग रही हो। हम सब ने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने हमें ही लूट लिया। अरे गुप्ताइन ये सब क्या कही जा रही हो, हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। कल जो तुमने मुझे 2 ड्रेस दी थी ना, ये उसमें से एक कपड़े तुमने मुझे 900 रुपए में दिया था, वही ड्रेस यादव की दुकान पे 400 रुपए में मिल रही है। और नहीं तो क्या, ये ड्रेस 1500 का है, ये हमको बाहर 500 रुपए का मिल रहा है। जो हमसे 1000 रुपए एक्स्ट्रा ली हो ना, वो हमको अभी के अभी दे दो। हाँ हम बता रहे हैं, और हमारे पैसे भी हमें वापस दे दो। एक बार मिल गया तो मिल गया, ऐसे मिलेगा नहीं भाई, हमारे पैसे। एक मिनट गुप्ताइन भाभी, एक मिनट। देखिए ये कपड़े मोना कलेक्शन के हैं और वो गारंटी देते हैं कि ये कपड़े बहुत दिनों तक चलेंगे, है ना? वही तो। रहने दीजिए चौबे भैया, हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बॉबी तुमने जो ये सस्ते कपड़े पे मोना कलेक्शन का लेबल चिपका दिया है, हम सबको महंगे दामों में बेच रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पैसे वापस दो वरना। अरे वरना क्या, क्या कर लोगे तुम? बॉबी तुम क्या, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए आप लोगों को अगर कपड़े पसंद नहीं है तो आप उसे लौटा सकते हैं, और रही बात पैसों की तो मैं कुछ दिनों बाद आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। क्यों? जी नहीं, हमारे पैसे अभी और आज वापस चाहिए। हाँ, हमको अभी के अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। हाँ हम कैसे, हाँ वापस नहीं मिलेंगे पैसे। टाइम भाभी आप तो जानती हैं मुझे,
मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कह रहा हूँ शुक्लाइन भाभी, मैं बोल रहा हूँ, मैं जरूर आप लोगों के पैसे आपको वापस कर दूंगा, बस थोड़े दिनों की बात है। और आपने उनकी बात क्यों मानी? वही ना, क्योंकि रुपयों से ज्यादा मुझे इज्जत प्यारी है और हम इस मोहल्ले में इज्जत के साथ ही रहेंगे। भगवान दास यही रहते हैं? हाँ मैं ही हूँ, कहिए जी। आपका कुरियर आया हुआ है। क्या बात है पापा जी, ये बैंक से नोटिस आया है, तीसरा और आखिरी नोटिस है ये। तुम लोगों ने बैंक की एक भी किश्त नहीं दी? नहीं तो। तीसरा और आखिरी नोटिस, मगर ये कैसे हो सकता है? अरे बाकी के दो नोटिस कहाँ हैं? हाँ ये तो मुझे नहीं पता ये। पापा जी बैंक से लेटर आए तो थे पर भैया के नाम के थे, इसीलिए हमने पढ़कर देखे ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ? अरे बैंक की किस्त हम अगले महीने दे देंगे ना। बॉबी कैसी? अगले महीने नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब पर तुम लोगों के पास तो 30,000 रुपए हैं, जाकर इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं जमा करते हो? हाँ पापा जी, उसकी तो मैंने FD करवाई और मैंने कंगन बना लिया। वाह, कंगन बनवा लिए, FD करवा ली। सुनो ये कंगन वापस करके आओ और FD तोड़वाओ और जाकर बैंक का इंस्टॉलमेंट भरो। पापा जी FD तोड़वाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। हाँ। उससे अच्छा ना कंगन बेच देते। क्यों? क्या क्यों? अरे ऐसे कोई थोड़ी ना गहने बेचता है। बैंक वालों को हम अगले महीने दोनों किस्तें एक साथ भर देंगे। और भाभी आप टेंशन मत लो, उधारी के पैसे अभी आने बाकी है ना। अच्छा हुआ रानी तूने याद दिलाया, चल उन उधारी वालों को फोन करते और वसूली करते हैं। बेटा ये दोनों मामले की नजाकत को समझ नहीं रहे हैं। पापा जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस घर को गिरवी रख के हमने लोन लिया है, अगर किश्त नहीं चुकाई तो वो लीगल कार्रवाई करेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। हेलो शिल्पा भाभी से बात कर सकती हूँ क्या? रॉन्ग नंबर? मना कर रहा था मैं रानी, मैं मना कर रहा था। हाँ बॉबी मैं मना कर रहा था लेकिन तुम में से कोई सुनता नहीं है मेरी। तुम दोनों को तो पत्थर भी नहीं मार सकता मैं, लेकिन तुम दोनों को पता है, आज तुम दोनों की जिद की वजह से पता है मैं कहां खड़ा हूं। घर बिकने को है बॉबी, घर बिकने को है, मना कर रहा था ना मैं कि फिजूल खर्ची है, बिजनेस करना है तो सोच समझ के करो, लेकिन नहीं मुझे ही उल्टा ताने मार रही थी कि वही तो बिजनेस के बारे में आप क्या जाने, आपने तो जिंदगी भर बस नौकरी की है, किसी इंसान के सर पर छत ना हो ना तो उसका क्या हाल होता है तुम्हें नहीं पता बॉबी, और बैंक वाले किसी के सगे नहीं होते हैं, लोन अगर नहीं चुकाओ ना तो घर बिकवा देते हैं। और रानी तुम नहीं, मैं क्या हूं? मैं टाटा हूं, बिरला हूं, अंबानी हूं, क्या हूं मैं? कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आई थी तुम और तुमने मेरी छुट्टी कर दी। कहां से लाऊंगा 10 लाख रुपए? तुम दोनों ने कसम से मेरी बैंड बजा दी है, बैंड। मन तो कर रहा है कि मैं कुछ कर दूं, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान दास, डटे रहो और मुश्किलों का सामना करो। क्या सामना करूं शिवाय, लोन नहीं चुकाया तो घर बिक जाएगा, जब सबको प्रॉफिट नजर आता ना तो सब चले आते हैं, लेकिन नुकसान कोई नहीं सहना चाहता, उस समय सब पीछे हट जाते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है? हुआ है भगवान दास, समुद्र मंथन के समय ऐसा ही हुआ था।
वो समुद्र मंथन जो देवता और असुरों के बीच हुआ था अमृत पीने के लिए। एक बार अमृत पाने की लालसा में देव और दानव एक हुए, मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया तथा वासु के नाक को नीति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छू का अवतार लेकर मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। और सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष की ज्वाला से देव और दानव जलने लगे, सृष्टि का विनाश होने लगा। तब सब ने मिलकर प्रार्थना, हे महादेव रक्षा करो हमारी, इस विनाश से सृष्टि को बचाओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी, रक्षा करो महादेव। हे महादेव आंखें खोलिए, इस समुद्र मंथन से कलकट विष निकला है जिसकी दहा से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो रही है। हे देव आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, आंखें खोलिए प्रभु। इस सृष्टि को विनाश से बचाएं महादेव, आंखें खोलें। महादेव आंखें खोलिए, आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए। प्रभु हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु हमारी। हर हर महादेव। हे देवों के देव महादेव, हे सदाशिव, इस हलाहल विष से हमारी और इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। हे संकट नाशक, हे महारुद्र, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। मतलब तुमने विष पिया था शिवा? हाँ भगवान दास, यदि मैं विष नहीं पीता तो समुद्र मंथन से निकला सारा विष इस सारे संसार को समाप्त कर देता और मैं संसार को बचाना चाहता था। तुम भगवान हो शिवा, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक आम इंसान हूं, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भगवान दास तुम इस संसार के शिवाय हो, अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। मतलब ये विष मुझे पीना ही पड़ेगा? यदि तुम्हारी अंतरात्मा कहती है तो। मैं ये विष पीऊंगा शिवाय, मैं अपने घर को बचाऊंगा। बहन जी चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े हैं। एक बार आप देखेंगी, ये बहुत सस्ते हैं और अच्छे भी हैं। और ये देखिए, ये तो आप पे बहुत अच्छा भी लगेगा, ये आप खरीद लिए, बहुत सस्ते में है, बस 700। सुनिए सुनिए, एक बार सुनिए बहन जी, देखिए ऐसे कभी कपड़े बेचे नहीं ना, पहली बार कर रहा हूं तो थोड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। चाइना का माल सस्ते में, कपड़े ले लो आधे दाम में। भगवान भैया धंधा करना है तो जोर से बोलना पड़ेगा। जोर से शर्म आती है, नहीं कोशिश करता हूं। आधे दाम में कपड़े हैं, कपड़े ले लो चाइना का माल सस्ते में। अरे देखो देखो, बॉबी का पति ठेला घुमा रहा है, गलत काम का यही अंजाम होता है। चाइना का माल सस्ते में, कपड़े कपड़े ले लो, चाइना का माल सस्ते में,
आधे दाम पर रस्ते में। अरे ये तो मोना ब्रांड का है भैया, ये वाला ड्रेस कितने का दिया? 500 रुपए में। सिर्फ 500 रुपए? जी। मोना ब्रांड के कपड़े इतने सस्ते, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, लीजिए ना भाई साहब। ले लो। और रहने दो, चोरी का होगा। अरे नहीं, चोरी का नहीं है ये, मैं बस यूं समझ लीजिए कि सेल में है, सेल में। हाँ सुनिए, लेके जाइए ना। अच्छा 400 रुपए दे दीजिएगा सिर्फ। भैया ये वाला कितने का? अब ये 400। 400 का बहुत महंगा है ना, 300 का दोगे? सही भाव लगाओगे तो मैं भी ले लूंगी। भैया हमारी गली में आओ, वहाँ अच्छी बिक्री होगी। अच्छा आप बोलिए। हाँ, लोगों को बस मैं बस गली। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, थैंक यू। चाइना का माल, चाइना का माल सस्ते में। अब तो सेल ही सेल होगी। शेठ जी, शेठ जी भगवान दास, ठेला लगाकर पानी के भाव में कपड़े बेच रहा है। क्या शेठ जी, कोई भी हमारी दुकान से कपड़ा नहीं खरीदेगा, वो तो डूबेगा डूबेगा, साथ में आपको भी लेके डूबेगा। चाइना का माल सस्ते में, कपड़े ले लो। चाइना का माल भाई, भाई साहब चाइना का माल आधे दाम में, आधे। कपड़े ले लो आधे दाम पर रस्ते में ही है। ले लो कपड़े, ले लो। अरे भगवान दास जी, आराम से आराम से, कितनी मेहनत करेंगे आप हा? अरे थोड़ा आराम भी कर लीजिए, आइए बैठ जाइए। नहीं, मैं ठीक हूँ यादव जी। क्या है, रुपयों की जरूरत है ना, तो मुझे हर हाल में कपड़े तो बेचने ही होंगे। चाइना का माल सस्ते में। देखो 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 भगवान दास जी, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। क्या, बताइए। अरे वो क्या है ना कि मैं आपका सारा माल खरीद सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा, थैंक यू। लेकिन लेकिन आधे दाम। अरे सोचिए मत भगवान दास जी, क्यों अपने दिमाग को टेंशन दे रहे हैं। देखिए अगर आप ऐसे ठेले पे ले जाकर ये जो चाइना का माल ले लो, चाइना का माल ले वो बेचोगे ना, तो पूरा माल बेचने में 1 साल लग जाएगा। ठंडे दिमाग से समझिए। ठीक है, मैं ये कपड़े बेचने को तैयार हूँ। चलिए आपके दुकान पे रख देते। चलो नाराज है ना? नहीं तो, पैसे कमाने के चक्कर में हम अंधे हो गए थे और उसकी कीमत आप चुका रहे। रानी ऐसी बात नहीं है, देखो कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, मुझे नीली छतरी वाले पे पूरा भरोसा है। परेशान मत हो तुम। ये लीजिए 60,000 रुपए, मैंने और रानी ने FD तुड़वा दी है और मेरा कंगन भी बेच दिया। और कितने कम पड़ रहे हैं? ये यादव जी ने 2,75,000 दिया था, तुम्हारे 60,000, ऑफिस के सामान के हो गए 90,000, ऑफिस डिपॉजिट के 1,00,000, मोबाइल लैपटॉप के 75,000, 6,00,000। लेकिन अभी भी 4,00,000 कम है। 4,00,000? 4,00,000 कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? वो बैंक में मेरे नाम पे भी FD है ना, मैं उसे तुड़वा देता हूँ और बाकी के जो पैसे बचेंगे वो अपने ऑफिस से उधार ले लूंगा। तुम लोग परेशान मत हो, हो जाएगा इंतजाम। बस बॉबी देखो बैंक के लिए देर हो रही है, जल्दी से एक बैग लेके आओ, ये पैसे उसमें डाल के ले जाऊंगा ना। अभी लाई। कालिया से भी बात करनी पड़ेगी, 4,00,000 मामूली रकम नहीं है, कैसे होगा इंतजाम। प्रभु
अरे बुद्धू बाबू आप क्या साले साहब हैरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम और इतने बुरे भी नहीं हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में आपका साथ ना दें। अब देखिए बिजनेस तो हमारी पत्नी ने भी किया था तो कुछ तो भरपाई हमारी तरफ से भी बनती है ना। तो है लेकिन अरे सब है ये लीजिए 1.5 लाख रुपए हैं। देखिए जितना हो पाया है उतना कर रहे हैं। जाइए जल्दी जाइए बैंक में जमा कर दीजिए गले तो फिर भी मिल लेंगे। हाँ ये स्कूटर भी खराब है पैदल ही जाना पड़ेगा मतलब रिक्शे से जाना पड़ेगा मैं चलता हूँ। बाकी रो क्यों रही हो तुम? अच्छा सुनो कुछ खाना है? आज सुकून से बैठ के खाना चाहता हूँ बहुत भूख लगी है। आप अंदर चलिए तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। ले लो भाई रस्ते का माल सस्ते में। ले लो रस्ते का माल सस्ते में। रस्ते का माल सस्ते में। शिवाय ये ले लो रस्ते का माल सस्ते में ले लो। अरे शिवाय अरे भगवान दास अरे ले लो रस्ते का माल है सस्ते में। दो के साथ 6 फ्री दे दूंगा। ये सस्ते के चक्कर में ही मैं रस्ते पे आने वाला था बच गया। अच्छा वैसे एक बात बताओ ये विष का स्वाद कैसा लगा तुम्हें? कड़वा था शिवाय लेकिन विष के चक्कर में कम से कम मेरा घर बिकने से रह गया। भगवान दास देखो अमृत सब पीते हैं पर विष का प्याला किसी ना किसी को पीना पड़ता है। हाँ वो तो है लेकिन आज आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हाँ किस बात से? बॉबी कितना सम्मान करती है मेरा। अभी देखा ना तुमने कि बेझिझक सबके सामने उसने मेरे पैर छुए मुझसे माफी मांगी तो बड़ा गर्व सा महसूस हुआ। मतलब मन जो है वो एकदम क्या बोलोगे गदगद हो गया। इतना अच्छा लग रहा था कि वो कितनी इज्जत करती है मेरी मतलब कितना सम्मान देती है मुझे। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। अरे अब आ भी चाहिए कितनी देर लगाएंगे? देखिए मैं दोबारा खाना गर्म नहीं करने वाली हूँ। ऊंची आवाज में बात नहीं करती भगवान। मैं जा रहा हूँ। कहाँ रह गए? आ रहा हूँ। चलिए ना खन्ना साहब होते तो एक आवाज में आ जाते। क्या?